हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लिख लीजिए, अ सरफेस ओवर व्हिच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अ सरफेस ओवर व्हिच, लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपके पास अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, राइट, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, नंबर वन, पहली बात तो यही हो गई, क्या द पोटेंशियल ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये नोट कर लें, पोटेंशियल ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, जीरो नहीं, सॉरी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, अब देखो सर, सपोज ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चार्ज को यहां से यहां लेके गए, तो वर्क क्या होगा, क्यू डेल्टा नहीं होगा, यानी क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए होगा। और ए और बी का पोटेंशियल क्या है, जीरो, सॉरी सेम, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो वर्क डन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। चलते हैं अभी तीसरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए बेटा ये कोई सरफेस है और ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, राइट। कोई आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना ऐसे है, ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, व्हाट इज दिस, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट बनाते हैं, पैरेलल टू द सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। दो कंपोनेंट बनाए, आप लिखेंगे, प्रूव करेंगे इस बात को, लेट ई इज नॉट परपेंडिकुलर टू एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन कौन से, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल इज पैरेलल टू द सरफेस, ई परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब मान लीजिए एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इसका मतलब वीए किससे बड़ा होगा, वीबी से बड़ा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, ऊपर से नीचे, हाई से लो, यानी वीए इक्वल टू वीबी।
बट VA इज इक्वल टू VB. क्यों भाई VA इक्वल टू VB क्यों है? क्योंकि ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस. और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA इज इक्वल टू VB है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां चली नहीं सकती. देयरफॉर E पैरेलल इज जीरो. हेंस क्या बोलेंगे? हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to an equipotential surface. बोलिए ये बात समझ में आई आपको? राइट चलेंगे आगे की तरफ. हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली. क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, वर्क डन इन मूविंग का चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, और तीसरी बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस. नेक्स्ट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट. क्यों भाई? मान लो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल वी है, इसका वी डैश है, तो इसके दो नॉर्मल हो जाएंगे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, ई और ये ई डैश. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो ई की इसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, विच इज नॉट पॉसिबल. तो राइट डाउन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, अब अगली बात को बहुत अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर मैग्नीट्यूड में. ठीक है, अब सुनना, बुक्स में गलत होता है ये बहुत बार. फॉर कॉन्स्टेंट डीवी ई इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई डी आर. मतलब लेसर इज द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन. अगर किसी जगह पर डीवी कांस्टेंट है, अब समझिए, मान लो आपको बोला कि ये बहुत सारे सर्फेसेस हैं, ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, ठीक है, इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट, इसका 45 वोल्ट, इसका 40 वोल्ट और इसका 35 वोल्ट, इन सब में क्या सेम है? डिफरेंस है ना? डिफरेंस सेम है ना? समझ रहे हो मेरी बात? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल सेम है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी तो कहां से कहां चलेगी बता सकते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस. अब आपसे कोई पूछे कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि बी पर, तो आप बोलोगे इस रीजन में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में डिस्टेंस कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यानी बी ए इज मोर देन बी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड EA is more than EB. Right? समझ में आई बात? लिखेंगे आगे. हम क्या कर रहे हैं? लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. अगर आपसे कोई पूछे आप एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे बनाओगे, देखो ये पॉइंट चार्ज है, लिखना हेडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब आपको पता है
आर डिस्टेंस पर सबका पोटेंशियल सेम होगा, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इस सर्कल जैसा बनना चाहिए बेटा। दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस सेंटर पर मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी पॉइंट चार्ज रखा, इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे? स्फीयर्स। स्फीयर सर्कल्स नहीं है, ये 3D में है। जितना पोटेंशियल ऊपर उतना इधर उतना आगे, 3D है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इनकी? ये तो सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनकी क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव की ऐसे बन जाएगी आउटसाइड और नेगेटिव की अंदर की तरफ बन जाएगी लाइन्स। नेगेटिव में यही एरो उल्टे चले जाएंगे, पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं बोली, सिर्फ भी पोटेंशियल सरफेस बनाने का बोले हैं, तो सिर्फ ब्लू से ही काम चल जाएगा। अब आपके पास आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण कैसे बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस? सिलेंड्रिकल शेप के बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट लाइन चार्ज ब्रैकेट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सर्फेसेस कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाई होंगी किसी भी जगह तो ऐसे, अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से, और नेगेटिव होती तो इनवर्ट हो जाती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ड्रॉ करने में आपको ये नोटबुक में ड्रॉ करने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, ऐसे, और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो इस तरह से बनेगी। बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात को। तो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, राइट? अगर किसी पॉइंट पर यहां पर कहीं पर हम फील्ड निकालेंगे, इसके कारण फील्ड राइट और इसके कारण फील्ड लेफ्ट, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी इन पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होंगी? अपोजिट। बट अगर मैं कहीं लेफ्ट पर यहां पर फील्ड निकालती हूं, इसके कारण फील्ड लेफ्ट और इसके कारण भी फील्ड लेफ्ट। सिमिलरली यहां निकालती हूं तो इसके कारण फील्ड राइट और इसके कारण भी राइट। बीच में निकालती हूं कहीं पर तो एक के कारण राइट और एक के कारण लेफ्ट, और बिल्कुल सेंटर पे कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड टू टू पॉइंट चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कम है, और चार्जेस के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्जेस क्या है? ज्यादा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो ज्यादा है। मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस मैंने बनाए 3D में है, ये 2D में नहीं है, ये यहाँ पर मोर ग्राउंडेड होंगे और यहाँ पर लेस ग्राउंडेड होंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहाँ पर क्या है? लेस मोर ग्राउंडेड, यहाँ पर लेस ग्राउंडेड। अगर दोनों समझ में आ रही है मेरी बात, ऐसा हमने पढ़ा था ना E-dV/dr वाली प्रॉपर्टी से। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहो, इसमें अगर पूछ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाओ, कैसे आ जाएगा? ये देखो परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस होगी बेटा। इसको आप, मैं कोशिश करूंगी आपको बुक से कोई डायग्राम देके भेजूं, क्योंकि इतना अच्छा मैं नहीं बना पाती जितना कि बुक में बना होता है ना। ऐसे एक बुक्स का डायग्राम आपको जरूर शेयर करूंगी। ओके, ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई होंगी? ड्यू टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। अब मैं बना रही हूं ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में जरा समझना, पहले बात को समझेंगे फिर ड्रॉ करेंगे।
कर्ल ब्राइट होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यानी चार्जेस के बीच में फील्ड क्या होगी, ज्यादा, और साइड्स में फील्ड क्या होगी, कम, राइट। बीच में फील्ड ज्यादा होने का मतलब बीच में जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं मोर क्राउडेड होंगे और यहां पे लेस क्राउडेड होंगे। अच्छा डायग्राम इतना अच्छा बनाना नहीं आता मुझे, बुक से देख के, मैं आपको एक फोटो पोस्ट कर दूंगी, आप उसमें से देखिएगा, राइट। समझ लो, आप ये समझ लो यहाँ पे मैंने मोर क्राउडेड बनाने की कोशिश की है, पास पास बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर मैंने दूर बनाने की कोशिश की, और बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। पता है ना, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने को बोली जाए तो कैसी बनती है इसकी, इस तरीके से, याद करें डाइपोल की वही वाली फील्ड लाइन बना ली है। आर यू गेटिंग, बात को हम काफी बात पढ़ चुके हैं, सारे चार्जेस रिपेल होकर के सरफेस पर आते हैं। दूसरी बात, कंडक्टर या बॉडी ऑफ कंडक्टर रीजन, मैंने
लो, एक खरबूजा ले लो, एक आम ले लो, एक ककड़ी ले लो, एक हीरा ले लो, अगर वो एक कंडक्टर है, मान लो कि वो मेटल किसी भी शेप का, मतलब उन शेप्स का कोई कंडक्टर है, तो जितना पोटेंशियल अंदर है उतना ही सरफेस पर है। पता है ये बात? क्यों भाई, क्यों पता है हमें ये बात? इसलिए पता, सुनना, चार्जेस रेस्पेक्ट तभी तो है जब सब जगह पोटेंशियल बराबर। अगर ऐसा नहीं होता तो चार्जेस कहां से कहां मूव करते, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते रहते, सब जगह पोटेंशियल बराबर है, अब रुक गए चार्जेस। इसका मतलब पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। इसको एक और तरीके से प्रूव किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ कंडक्टर इज जीरो। इसको कैसे प्रूव किया जाता है? थर्ड, ये थर्ड पॉइंट को मैं प्रूव करूंगी, थर्ड से सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो जाता है। पहले मैं कैसे प्रूव करूंगी कि आप बोलोगे ये कंडक्टर है, मैंने कोई गॉसियन सरफेस ले लिया है, ठीक है, फ्लक्स एंड इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इस गॉसियन सरफेस के लिए 0/ε0। व्हाई? लिखेंगे कंसीडर अ गॉसियन सरफेस एस, लिखेंगे कंसीडर अ गॉसियन सरफेस एस इनसाइड अ कंडक्टर, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर इज 0। लिखना इसे, बिकॉज यहां पर लिखना, बिकॉज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर इज 0। नोट्स बनाओ साथ साथ। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर इज 0, देयरफॉर E is 0। Hence electric field, ये प्रूफ किया हमने, Hence electric field inside a conductor is 0। ठीक है, अब इसी बात से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? इसी बात से हम प्रूफ कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट। अगर मैं प्रूफ ऑफ सेकेंड पॉइंट पूछा हूं कैसे करेंगे, नोट भी डाल सकते हैं, नोट डाल के भी लिख सकते हैं, ई इनसाइड 0, ई होता है माइनस डीवी बाई डी आर इज 0, तो वी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर पोटेंशियल inside a conductor is constant or it is equal to potential at surface। ये बातें कब चल रही हैं? जब सारे charges rest पर हैं। ठीक है, next property लिखेंगे अब। Next property लिखेंगे electric field lines always perpendicular to the conductor। क्यों? रीजन, अब रीजन में क्या लिखेंगे? कंडक्टर जो है इट इज एन इक्विपोटेंशियल रीजन, द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर is an equipotential surface। And electric field lines are always perpendicular to an equipotential surface। ठीक है, समझ में आ गई क्या क्या प्रॉपर्टी? समझ में आ गई हमें क्या क्या प्रॉपर्टी? समझ में आ गई जो सरफेस ऑफ कंडक्टर है उस पर ये सारा चार्ज रहता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कंडक्टर के क्या होती है? परपेंडिकुलर। एक और बात, ध्यान से देखना। नेक्स्ट,
your potential at surface of spherical conductor कितना होता है? V is equal to k q by r. ऐसे ही होता है k q by r. चलिए ठीक है, ये तो constant है, right? Surface पर potential सब जगह conductor पे constant है, radius अलग अलग है, पर है ना, एक surface of conductor पर अगर such sphere होता तो radius भी constant होती, V भी constant होता और charge का distribution भी constant होता. दोबारा सुनो कि V k q by r होता है किसी surface पर अगर वो spherical हो तो. ठीक है, तो k को मैं q को मैं लिख सकती हूँ, यानी q proportional to r लिख सकती हूँ. चार्ज कितना होगा? सिग्मा इनटू 4 बाय आर स्क्वायर अगर स्फेरिकल है तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, यानी चार्ज डेंसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर. यानी अगर कोई सरफेस जिसका रेडियस कम है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा. एक ऐसा सरफेस जो जहां पे रेडियस कम है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा. अब मैं किसी भी सरफेस को, किसी भी सरफेस को एक छोटे स्फीयर का पार्ट मान सकती हूँ, किसी भी सरफेस को छोटे से स्फीयर का एक पार्ट मान सकती हूँ. तो जिस सरफेस की रेडियस कम होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जिस सरफेस की रेडियस ज्यादा होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी कम. तो कभी चार्ज स्प्रे करना हो ना, फेंकना हो या कलेक्ट करना हो, तो ऐसे पॉइंटेड रेज बनाए जाते हैं. यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इजिली स्प्रे हो जाता है. ठीक है, इजिली स्प्रे हो जाता है. आपने सुना होगा लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर कुछ इस शेप का बनाया जाता है, एक रॉड होती है बिल्डिंग्स पे लगाई जाती है, ऊपर से पॉइंटेड होती है. क्यों? यहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो सकता है और चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो ग्राउंड में फटाफट खूब सारा चार्ज चला जाएगा. एक और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर. और ये बात नहीं है, मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी. पहले तो उसको समझते हैं. मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का है ना, हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है. क्वांटिटी पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पता है ना आपको? ओके, मान लीजिए छोटा सा रीजन है, छोटा सा रीजन, इस पूरे पे चार्ज है. कहां पे चार्ज है? आउटर सरफेस पर. इस पूरे पे चार्ज है और मैंने एक सिलेंडर ले लिया ऐसे, गॉसियन सरफेस, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, अंदर तो होगी नहीं. और इसका सरफेस एरिया मान लीजिए एस है. कितना सरफेस एरिया? एस. और इस पर चार्ज कितना होगा सरफेस एरिया पर? सिग्मा एस. तो बेटा फ्लक्स क्या होगी? प्रूफ कर रहे हैं इसको. फ्लक्स थ्रू सिलेंडर फाइ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स होता है ई इंटू एस. देखो ई इंटू एस इधर और इधर ई इंटू जीरो. सिर्फ इस सरफेस से फील्ड लाइन निकल रही है ना, तो फ्लक्स क्या है? ई और इस सरफेस का एरिया एस. इसके तो फ्लक्स जीरो है और आउट सरफेस से भी फ्लक्स जीरो है, सिर्फ इससे निकल रही है ई इंटू एस. और क्यू क्या होगा? सिग्मा एस. और वेक्टर फॉर्म में लिखे तो अच्छा, याद करो कंडक्टिंग शीट के कारण यही रिजल्ट आया था कि नहीं? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप. और बताऊं और कहां पर आया? चलो मैं बताती हूं, ये सिर्फ समझने के लिए, नोट मत करना. आप याद करो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर के कारण सरफेस पर कितनी फील्ड होती थी? 1/4 πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर जिसकी रेडियस कम है. तो क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ? सिग्मा इनटू 4 πε2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन. आया ना? हर
कंडक्टर के लिए वैलिड है, किसी भी शेप का कंडक्टर, किसी भी शेप का कंडक्टर। समझ में आ गई मेरी बात? किसी भी शेप का कंडक्टर हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो और आर्बिट्री शेप का कंडक्टर हो। तो आज हमने क्या क्या सीखा? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, उनकी प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, और हमने क्या सीख लिया? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू बच्चों।